फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ट्रेस कंगना रनौत घायल हो गई है। बता दें कि फिल्म में एक सीन के दौरान उनकी नाक पर तलवार लगने से गहरी चोट आई है। कंगना सीन में दीपिका पादुकोण के एक्स बॉयफ्रेंड निहार पांड्या से लड़ रही थी। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में उस वक्त बड़ा हादसा हुआ जब फिल्म मणिकर्णिका के लिए एक सीन में कंगना तीन लोगों से अकेले तलवार के बल पर लड़ रही थी। सीन के दौरान निहार अपना सीन भूल जाने की वजह से कंगना के सिर पर तलवार से वार कर बैठे और इसी के चलते तलवार कंगना की नाक पर जा लगी। फिल्म मणिकर्णिका में कंगना झांसी की रानी की रोल प्ले कर रही कंगना ने इस हादसे के बारे में बताया कि वे फिल्म के एक सीन में अकेली ही तीन लोगों से लड़ी रही थी, लेकिन फिल्म में राव साहेब का किरदार निभा रहे निहार पांड्या ने गलती से उनके सिर पर वार किया जिसकी वजह से वे घायल हो गईं। बता दें कि इस हादसे के बाद कंगना लहूलुहान हो गईं और जल्द ही उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। इससे पहले फिल्म की पहली झलक जयपुर के सेट से आई थी जिसमें कंगना का झांसी की रानी का लुक सामने आया था। बता दें कि इस लुक में कंगना बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये पहली बार है जब कंगना अपने फिल्मी करियर में किसी आइकॉनिक रोल में नजर आएंगी। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और संघर्ष पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म को लेखक और डायरेक्टर विजेंद्र प्रसाद डायरेक्ट कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले प्रसाद ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली और बजरंगी भाईजान में भी अपनी कलम का जादू बिखेर चुके हैं।